बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास फिजिक्स का लेक्चर नंबर 44 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसका 3.1 टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे 3.2 विच इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी आज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो टॉपिक है 9th क्लास का, उसको हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। जैसा कि आप नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले, वन न्यूटन इज इक्वल टू डैश। वन न्यूटन किसके इक्वल होता है? वन किलोग्राम के, वन न्यूटन सेकंड के, वन न्यूटन मीटर के, या वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के? तो ये एमसीक्यूज़ बहुत सिंपल होगा आपके लिए जब आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस की जो टेक्स्ट है उसको स्टडी करेंगे, उसको एक दफ़ा रीड आउट करें, तो यू विल सी दैट कि आपको वहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं स्टूडेंट, मैं बार बार बताता रहता हूँ, इसी वजह से मैं आपको इनके आंसर नहीं बताता। ठीक है, नंबर टू है कि द एक्सेलरेशन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 किलोग्राम। तो एक एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस होता है, 20 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस करती है किसी भी मास में जो कि 8 किलोग्राम का है, यानी 8 किलोग्राम के मास के ऊपर अगर 20 न्यूटन फोर्स लगे, उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? बहुत ही सिंपल, आप एफ इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे, वहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन आपका इन वैल्यूज़ में से 1.5, 2.5, 3.5 या 4.5 में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट है, द फार्मूला फॉर द वेट इज़, वेट के लिए फार्मूला क्या है? एम ए, के एक्स, एल ए या एम जी। तो ये उनमें से आपने वेट का फार्मूला चेक करना है। In an accident at high speed, the impact force is very large due to the extremely short. एक एक्सीडेंट में हाई स्पीड के साथ एक्सीडेंट हुआ है तो जो इम्पैक्ट फोर्स होगी बहुत ज़्यादा होगी, किस चीज़ की वजह से? वेरी शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से, वेरी शॉर्ट एक्सलेशन की वजह से, एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टॉपिंग टाइम की वजह से, या एक्सट्रीमली शॉर्ट लास्टिंग की वजह से। अ बॉडी ऑफ मास m 5 किलोग्राम, मास दिया हुआ है, इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के साथ एक बॉडी मूव करी है जिसका मास 5 किलोग्राम है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में अगर आपने इसको स्टॉप करना है तो कितनी फोर्स लगानी होगी? एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, आपने फोर्स फाइंड करनी है, तो इट इज़ ऑबियस कि आप टाइम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे एफ इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स के इक्वल। ठीक है, तो ऊपर आएगा एम वी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एफ, ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से आप क्या मालूम करेंगे, यू विल हैव टू फाइंड एफ, तो इनमें से आंसर आएगा। इसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेट फोर्स, कि नेट फोर्स का क्या मतलब है? नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि एक बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, तो उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, यानी ओवरऑल जो फोर्स होगी, जो रिजल्ट होगा इन सारी फोर्सेस का, उसको हम कहेंगे नेट फोर्स। क्वेश्चन नंबर टू है कि डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसकी एग्जांपल देनी है। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करी है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक कोई उस पर नेट या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। इसकी एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल है उसको रोल्ड किया गया एक रफ ग्राउंड स्टॉप पे। ठीक है, सो अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन दैट रोल्ड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। तो एक बॉल जिसको रोल करते हैं आप रफ ग्राउंड पे, वो जल्दी रुक जाता है एज़ कम्पेयर टू उस बॉल के जिसको स्मूथ के ऊपर आप क्या करते हैं, राउंड करते हैं, रोल करते हैं। सो इट इज़ बिकॉज रफ सर्फेसेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। इस वजह से होता है क्योंकि जो रफ सर्फेसेस होती हैं उनकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। इफ़ देर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी एंड द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। तो अगर ये रेजिस्टिव फोर्स हट जाए बॉडी पे या उस बॉल के ऊपर ना अप्लाई हो तो बॉल हमेशा मूव करती रहेगी, तो इसका मतलब है न्यूटन फर्स्ट लॉ ठीक है। व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है।
सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो ताल्लुक है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के साथ है, यानी ये लिंक है इनर्शिया के साथ, क्योंकि इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है सॉरी जो उसमें तब्दीली के खिलाफ मुजामत करती है, रेजिस्ट करती है और किसी बॉडी का जो मैस होता है वहीं उसकी इनर्शिया होती है। तो न्यूटन ने चूँकि ये बताया कि बॉडी उस वक्त तक मूव नहीं करेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेगी, उस वक्त तक रुकेगी भी नहीं जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाया जा सकता है, इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहा जाता है। सो व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन बाय, जब एक बस जो है एकदम से टर्न लेती है तो जो पैसेंजर है बाहर की तरफ मूव करते हैं, ये क्यों होता है। When a bus takes a sharp turn, passengers fall in the outward direction. It is due to the inertia that they want to continue their motion in a straight line and thus fall outward. जब एक बस sharp turn लेती है तो passengers जो है बाहर की तरफ क्यों आ जाते हैं, इस वजह से होता है, यानी बाहर की तरफ वो एक तरफ जो है उन पर एक फोर्स लगती है, तो इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, ये इनर्शिया की वजह से होता है क्योंकि वो अपनी मोशन को जारी रखना चाहती हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एंड दस फॉल आउटवर्ड, क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो इनर्शिया जो कि बॉडी की प्रॉपर्टी है कि जो रेजिस्ट करती है चेंज को, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती हैं लेकिन चूँकि बस एकदम से टर्न लेती है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं अराउंड अबाउट 11, 12, 13, 15, 16, तो ये अराउंड अबाउट 16 हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8। तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आल्सो ड्राइव इट्स रिलेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन द नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ताल्लुक ऐसी सिचुएशन के साथ है कि जब एक नेट फोर्स अप्लाई होती है किसी बॉडी पे, और इसको हम कैसे स्टेट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, कि जब एक नेट फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होती है तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, और इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो नेट फोर्स की डायरेक्शन ही होती है, उसी डायरेक्शन में होती है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, यानी जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स इस एक्सेलरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस, और मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए इन अ बॉडी ऑफ द मैस एम, देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली दैट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम के, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए आ जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे के, और इस कांस्टेंट की वैल्यू न्यूटन ने क्या ली है 1, तो के की जगह जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है और इसकी स्टेटमेंट है, सॉरी मैथमेटिकल फॉर्म। डिफाइन न्यूटन एज यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन को डिफाइन करना है एज यूनिट ऑफ फोर्स, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, न्यूटन। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें, आप न्यूटन जो यूनिट है उसको आप स्मॉल एन से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल एन से नहीं करेंगे क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम होगा, ठीक है, इसके सिंबल को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, 1 जूल इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, मास माइनस 1 भी है, इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम माइनस 2 है सॉरी। तो न्यूटन के मुताबिक जो 1 न्यूटन फोर्स है ये वो फोर्स है जो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है किसी भी बॉडी में जिसका मास 1 किलोग्राम हो, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस एज 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट, मैस और वेट में क्या फ़र्क है। तो मैस ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वान्टिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है वो उसका मैस है। सो वेट ऑफ द बॉडी इज़ द फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्टेड, लेकिन वेट जो है ये वो फोर्स है कि जिसके साथ अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है,
इट इज़ मेजर्ड बाय द कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग बीम बैलेंस। इसको बीम बैलेंस